खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मतलब सिर्फ और दिन चुन लो ना, और बहुत तरीके इसमें बीजेपी लगी थोड़ी है, इसको ही अपना निर्णय वापस लेना चाहिए, हमारा ये कहना है। देश की लगभग 100% जनता खेती या खेती पर आधारित है, और देश की आज़ादी के बाद जितनी सरकारें इस देश के अंदर आई उन सब ने किसानों के साथ केवल राजनीति की, किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन पिछले 6 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार आई है, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को परंपरागत तरीके से बेचने के अलावा, जैसे मंडीकरण और जो व्यवस्थाएं पहले से हैं उसको बेचने के अलावा खुली मार्केट में भी अपनी फसल को बेच सके, इसके लिए उसके संरक्षण के लिए 3 अध्यादेश पास किए हैं। और इनके कारण से किसान का जो पहले कहा जाता था कि उसके सामान की बोली लगती है, जो व्यापारी होता है वो सामान पे खुद अपना रेट लिख करके बेचता है, लेकिन किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर जाता है तो उसकी फसल की बोली लगती है। तो अब किसान की फसल की उस तरह से बोली ना लगकर किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच सके, परंपरागत तरीके से भी और बाज़ार में जाकर भी बेच सके, इसके लिए उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए ये 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। लेकिन विपक्ष, क्योंकि उसको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार किसानों के लिए इतने काम कर देंगे तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भविष्य में उनको अपनी राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी, इस कारण से वो किसानों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। किसान उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल बोल करके किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो जो ये 3 अध्यादेश है ये किसानों को जो पहले से रास्ता है, ना MSP ख़त्म होगी, ना मंडीकरण ख़त्म होगा, ना परंपरागत तरीके से जो फसल बेची जाती थी वो खत्म होगी, बल्कि एक और रास्ता किसानों को अपनी फसल बेचने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कुछ किसान ऐसे किसान नेताओं के चौड़े को ओढ़ करके, झूठी किसानों की राजनीति करके, उन्हीं विपक्ष के लोगों के साथ मिल करके, यानी कि वो केवल उन किसानों का भला ना करके उनका नुकसान कर रहे हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह के बयान कई किसानों ने दिए हैं, किसान नेताओं ने तथा कथित जो चौड़ा ओढ़े हुए हैं कि हम 15 अगस्त को काला झंडा लहराएंगे, यानी उन्होंने ये बयान दे करके देश के उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवारों को देश के लिए नौछावर किया है। यानी कि 15 अगस्त ना केवल देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ करके जीतने का दिन है, बल्कि उन हजारों हजारों देशभक्त नौजवानों या जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपना जीवन नौछावर किया, उनको नमन करने का दिन है। उस दिन को काले झंडे फहराए अगर कोई व्यक्ति करता है किसान नेता के नाम पर, किसानों के आंदोलन के नाम पर, तो ये देश के साथ द्रोह है। ये मैं सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ठीक है, भाजपा की सरकार से या किसी भी सरकार की नीतियों से विरोध हो सकता है, सभी बातों पर सभी को सेटिस्फाई करना संभव ही नहीं है। आपको विरोध करना है तो कोई भी दिन चुनिए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन कम से कम 15 अगस्त का दिन, जो देश की आज़ादी का दिन है, देश के वीर बांकुरों को नमन करने का दिन है, जो एक उत्सव की तरह मनाने का दिन है, उसको अगर कुछ इस तरह के नेता काला दिवस या काला झंडा फहराने की बात करें तिरंगे की बजाय, तो वो देशद्रोह कर रहे हैं। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है।